नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमिनेट्स न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई, टीकाकरण के बाद भी पॉजिटिव होने वालों की होगी जांच, अधूरा पड़ा है सदर रिंग रोड का कार्य। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई। अजनी की रामटेके नगर टोली बस्ती में अवैध धंधों पर कार्रवाई करने के लिए गई अजनी पुलिस के दल पर अपराधियों ने हमला कर दिया। हिंसक भीड़ ने पत्थराव कर पुलिस की जीप को क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ पुलिस कर्मियों को मामूली चोट भी आई है। सोमवार शाम 5 बजे हुए इस हमले के बाद पुलिस ने देर रात करीब 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 10 लाख का मुद्दे माल जब्त किया है। अजनी पुलिस ने कुछ दिन पूर्व ही मानेवाड़ा मार्ग की टोली बस्ती में छापा मार कर अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया था। यह अड्डे हाल में फिर से शुरू हो गए थे। सोमवार शाम 5 बजे PI विनोद चौधरी के नेतृत्व में अजनी पुलिस का दल इन पर कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचा। इसकी भनक लगते ही अवैध धंधे संचालित करने वालों ने समर्थकों को जमा कर लिया। उन्होंने महिला और नाबालिगों को आगे कर पुलिस दल पर पथराव किया। लोगों ने पुलिस की जीप को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले में कुछ पुलिस कर्मियों को चोट भी आई। अपराधियों के पथराव किए जाने से अजनी पुलिस ने मदद के लिए अतिरिक्त बल बुलाया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, उपायुक्त डॉक्टर अक्षय शिंदे व जोन 4 के सभी थानों के दल पहुंच गए। पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध शराब अड्डों पर कार्रवाई शुरू की। कल हमें दोपहर को एक जानकारी मिली थी, पुलिस स्टेशन अजनी हद में रामटेके नगर टोली करके एक बस्ती है, वहाँ उस बस्ती के अंदर में कुछ लोग अवैध रीति से जुगाड़ के अड्डे चला रहे हैं और कुछ दारू बेच रहे हैं, गावटी दारू तैयार कर रहे हैं। इसी में इंफॉर्मेशन मिली थी। इस पर से हमने वरिष्ठों को माहिती दे के आजू बाजू के पुलिस स्टेशन का कुछ स्टाफ लेके हमने वहाँ पर एक रेड किया था। उस रेड के दौरान हमने 7 आरोपियों को ताबे में लिया था और उस 7 आरोपियों को जब हम बस्ती में से अपने गाड़ी के तरफ में सरकारी गाड़ी में जहाँ खड़े किए थे वहाँ ले जा रहे थे, तभी आरोपियों में से कुछ लोगों ने वहाँ के लोगों को चेतावनी दिया और वहाँ के कुछ लोगों ने गैर कायदे की मंडली वहाँ पे तैयार की और आरोपी को हमें ले जाने के लिए हुज्जतगिरी की और मज्जाव किया। इस दरम्यान में उस लोगों में से कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर में और पुलिस के वाहन के ऊपर में दगड़पिक की है। दगड़पिक में एक पुलिस का वाहन का सामने का कांच और आजू बाजू के कांच फूटे के वाहन का अंदाजे 35,000 का नुकसान हुआ है। वैसे ही कुछ एक दो लोगों को किरकुल मार लगा है। उस पर से हमने पुलिस स्टेशन अजनी में कलम 188, 269, 270 गैर कायदे की मंडली, सरकारी काम में अड़थड़ा, सरकारी काम मालमत्ते को नुकसान, जुगाड़ कायदा प्रोविजन एक्ट, इस प्रकार हमने गुनाह दर्ज किए हैं और उस गुनाह के तपास में अभी तक के हमने कुल 30 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है और भी बाकी का आरोपी हम लोग उनकी पता निकाल के गुनाह का तपास कर रहे हैं। कितने का माल मुद्देमाल जब्त किया हुआ? ये कार्रवाई करते समय हमने वहाँ पे जो अवैध रीति से जो गावटी दारू तैयार होती है और आती और बेची जाती है, ऐसे कुल हमने 40 आरोपी के ऊपर में कार्रवाई की है और उन 40 आरोपियों के पास से हमने अंदाजन 10 लाख रुपए का मुद्देमाल हमने जब्त किया है। इसमें सर कुछ महिलाएं या बाल गुनहगार भी शामिल है, ऐसी जानकारी है? हाँ, इसमें कुछ पुरुष आरोपी है और कुछ महिला आरोपी भी है और कुछ जुवेनाइल बालक भी है। तो वही दूसरी ओर, टीकाकरण के बाद भी पॉजिटिव होने वालों की होगी जांच। टीकाकरण के बाद भी कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। इसमें से कुछ लोगों का सिटी स्कैन स्कोर 25 तक जा रहा है। ऐसे रोगियों के वायरस जीनोम सिक्वेंसिंग करने के लिए इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल की लैब से शीघ्र ही दिल्ली के ICMR को नमूने भेजे जाएंगे। कोविड संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अप्रैल में सर्वाधिक मरीज आए और मृत्यु भी हुई है। इससे पहले बढ़ते मरीजों के पीछे वायरस के नए स्ट्रेन की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेयो की लैब ने दिसंबर 2020 व जनवरी 2021 में कोविड के 75 गंभीर मरीजों के नमूने दिल्ली व पुणे की राष्ट्रीय प्रयोगशाला में भेजे थे। मरीजों की संख्या बहुत कम है, अब तक 5 मरीजों के नमूने लिए गए हैं। तो वही तीसरी ओर, अधूरा पड़ा है सदर रिंग रोड का कार्य। पिछले एक महीने से सदर रिंग रोड में पाइपलाइन डालने का काम अधूरा ही छोड़ दिया गया है। अधूरे कार्य के कारण आवाजाही
लापरवाही करने वाले वाहन चालकों को परेशानी होती है। रिंग रोड होने के कारण हजारों वाहनों को दिक्कत होती है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ लाइव पर। नमस्कार।